दिनी किसानी मुद्दे ते आवाज़ उठाउण ते अपनी ही पार्टी वल्लों कढ़े गए अनिल जोशी 20 अगस्त नूं श्रोमणी अकाली दल विच शामिल होण तों बाद अज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होण लई पहुंचे हन, जिथे उन्हां कहा कि उह वाहिगुरु दा शुकराना करन अते पार्टी दी चढ़दी कला वास्ते अरदास करन लई पहुंचे हन। इस मौके गलबात करदे अनिल जोशी ने कहा कि किसान भाईचारे के हक में आवाज़ बुलंद करन ते जदों उन्हां दी पार्टी वालों उन्हां नूं पार्टी चों कढ़िया गया तां उदों ही उन्हां वालों वाहिगुरु दे दर ते आ के अरदास कीती गई सी कि वाहिगुरु उन्हां नूं सही रस्ता दिखाउण जिसके चलते उह जनता की सेवा कर सकन। इस संबंधी पार्टी आगुआं अते वर्करां वल्लों उन्हां दा स्वागत किया गया अते उन्हां ने आम आदमी पार्टी के MLA अमन अरोड़ा के बयान ते जवाब दिंदिया आम आदमी पार्टी के सारे ही MLA नूं रिमोट नाल चलण वाले खिडौने दस्या जिन्हां नूं इक्को इक आदमी चला रहा है, बाकी जल्द ही आम आदमी पार्टी के MLA का वजूद सामने आएगा, ये गल भी उन्होंने कही। मैं सचखंड श्री हरिमंदर साहब आशीर्वाद लैन आया। तुहानू पता वा कि जदों मैनू पार्टी चों कढ़िया गया सी ते मैं गुरु साहब दे चरणां दे विच आया सी कि मैनू अगली सेध दिओ, क्योंकि मैं समाज दा काम करन वाला बंदा राजनीति दे विच काम करदे आया। मैं हमेशा ही इमानदारी सच्चाई दे नाल पंजाब दे मुद्दिआं दे उत्ते पंजाब दे लोकां दे जिथों मैं नुमाइंदगी करदा शहरां दी उन्हां दे मुद्दिआं दे उत्ते मैं पहरा दित्ता ते मैं गुरु साहब दे अगे ये चरणां च अरदास कीती सी कि गुरु साहब मैनू अगली सेध दिओ कि मैनू की करना चाहीदा, ते करदिआं करदिआं उस तों बाद तुहाडे सामणे ही आ कि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा वा उह मैं जॉइन कीती पार्टी। जो मैं अपने साथियों के उत्ते गल सुटी सी, जो शहर के विचों, जो मैं अपने वर्करा कोलों पूरे पंजाब दे विच अपने साथियों कोलों कमल चेटली जी मेरे नाल खड़े आ, ये भी इलैक्शन लड़े आ BJP दी लुधियाने तो, सारयां दे नाल सलाह करन तो बाद अपनी पूरी पंजाब दी जिहड़ी टीम आ जिहड़ी लाइक माइंडड जिहड़े किसानां दे मुद्दे दे उत्ते पंजाब दे मुद्दिआं दे उत्ते मेरे वांगू ही चिंतित सी ते ओपन उन्होंने भी स्टैंड लिया पार्टी दे विच कि किसानों के नाल पंजाब के मुद्दों के उत्ते पंजाब के व्यापारियों नाल जिन्होंने विचोलीए कहा गया उन्होंने नाल सानू खलोना चाहिए, पर पार्टी नहीं स्टैंड लै पाई, सानू कढ़ता किसी ने, फिर पार्टी जिहड़ी आ इन्हां डिफरेंसिस करके छड्डती ते असीं ज्वाइन किया 20 तरीक नूं चंडीगढ़ दे विच सरदार सुखबीर सिंह जी बादल दे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के आशीर्वाद के नाल सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की अगवाई दे विच मजीठिया साहब ते बाकी सारयां दे नाल साथ उत्थे साथी सारे इकट्ठे सी जिहड़े पुराने जिन्हां नाल 10 साल मैं काम किया MLA हुंदिआं वी मंत्री हुंदिआं वी उस टीम दे चाजी दाग साहब भी मेरे नाल असीं इकट्ठे MLA रहे हां। ते खुशी होई कि उस परिवार दे विच मैं फिर गया जिथे असीं रल के पंजाब की बेहतरी वास्ते बहुत सारे प्रोग्राम बनाए सी, बहुत सारा काम किया, तो उस परिवार मैं कोई उपरापन नहीं लगा। तो नाल ही मैं ये भी जोड़ा सारा चानण सी कि बादल साहब किस तरह पंजाब के सुहार्द पंजाब की शांति पंजाब के भाईचारे वास्ते सब तो पहली हमेशा ही उन्होंने गल यही रही थी कि ये कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस करके ही सारिया ने यह सोच बनाई कि सानू अकाली दल जाना चाहिए तो असी गए। उस तो बाद अज फिर गुरु साहब के चरणों के असी आए हैं सारे ही जिन्हें भी ज्वाइन किए थे उस दिन पंजाब के लीडर, तो फिर गुरु महाराज के चरणों च अरदास यही करनी है कि सानू शक्ति दो, जो रस्ता तुसी सानू विखाया क्योंकि करन वाला वो आ, रस्ते परमात्मा आप बनाउंदा, उस तो बाद जिहड़ा कर्म है वो साडा हुंदा भी असी कर्म करना, रस्ते भी वह बनाउंदा ते रिजल्ट भी उहदे हत्थ आ, कर्म साडे हत्थ आ, ते यही शक्ति लैणा है भी साडे कर्म च कोई कोताही ना होवे, साडे कर्म दे विच सच्चाई होवे, इमानदारी होवे, तो सानू यही गुरु महाराज आशीर्वाद दिओ। जितना पहला इन्ना 35 साल मैं समाजिक जीवन दे विच MLA मंत्री रहिंदे होया भी एडे एडे वड्डे डिपार्टमेंटां च रहिंदे होया भी उन्हें मैनू तिलकण नहीं दिता, कितें मैनू किसी चिक्कर दे विच फसण नहीं दिता, उस तरह ही फिर अगे भी उस तरह की ताकत गुरु महाराज हमेशा अंग संग रह के वो ताकत देन वो आशीर्वाद देन यही अरदास करना आए हैं। उन्हां सारयां दा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दूं, मैनू वेख लैंदे हो की सवाल आ, जिन्हां दा आधार ही कोई नहीं, जिन्हां जिस पार्टी दा कोई
ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀਓਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਫੈਡਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਫੁੱਟਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤਸਮਲ ਨਿਊਜ਼। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।